मेरे पीर में आए हो। अच्छा ना मेरे भैया ने कछु कही तो बहुत बुरी है जाई रोटी तक के लाली पड़ जाए। ये बता मैं तो ते 8 दिना पहले पूछ रहा हूँ कि मेरो एक ऐसो ही और चश्मा है तो देख लेते भैया नहीं लगा रखे हो ये ऐसा तो भैया है चश्मा है चुप चुरा लाए हो। ठीक है हाँ साहब देखो तो मेरी ओर से नंबर का श्री गणेश है आपकी सेवा में। और कह रहे हैं कि यार दोहाए देखी हो वे दोहाए का हम तुम्हें ये देखने आए हैं आज हम रात भर देखेंगे ही तुम्हें आज दोहा कहा हम स्वागत करते आपका और हार करो सी और हार हार में छिपा है ये कविता का आधार। हम तुम्हें इतने कमजोर दिख रहे हैं। अब देखो दोहा ये कौन सी खोपड़ी से लड़ो है। हाँ सर और मैं निवेदन करूंगा कि यहां से मेरा समय नोट हो जाएगा। अरे हार मुबारक आपको जवाब सही हो जाए और आपके दिल को छू जाए केवल आशीर्वाद में तालियों का चाहूंगा कि हाँ दोहा लड़ गया। अरे अलीगढ़ बीच बाजार और हार का दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या है अरे मुझको माला चाहिए अरे तू अपनी माला दे मेरे यार। लक्ष्मण गुरु 20 दिन से छंद ये लिख रहे हो तुम और कुछ ना करो तुमने माटी को तेल बेचो और छंद लिखो। अब देखो 20 दिन की लड़ाई और आध घंटे में मैं कैसे ध्वस्त करूंगा आप लोगों का आशीर्वाद है। अरे भुज जाए सम्मा अरे भुज जाए सम्मा और तेरी रोबे अम्मा पैदा तू सोलाद भयो और पैदा तू सोलाद भयो अरे पैदा तू सोलाद भयो
सो तूबो हलके नाम जिए और दूसरे बंद में लक्ष्मण गुरु काफिया फल के नाम जिए फल के नाम जिए। अब दूसरा देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अरे बुढ़ा पाए तुम सुनाई देता हो। अरे काम न छलके देख भुजबल के अरे काम न छलके भुजबल कन के अरे तेरा भी कोई शिक्षक है और मेरा भी कोई शिक्षक है और बन रहे क्यों तुम माटी का गुड्डा और दूसरों ने की गुड़िया वहीं से चलेंगे। उस्ताद न जाने क्या क्या लिख देते हैं। हाँ जी दरिया में तूफान है जितने अरे दरिया में तूफान है जितने इस दिल में अरमान है अरे तुझे अकेला देख के जाना तुझे अकेला देख के जाना तुझे अकेला देख के जाना दोबारा
दरिया में तूफान है जितने, इस दिल में अरमान है। जिद पे अड़ गई दुनिया, अरे जिद पे अड़ गई दुनिया, अरे पीछे गुरदे। मैंने अभी अपना कुछ नहीं गाया है, केवल इन्हीं का जवाब दूंगा और उसके बाद में अपना गाऊंगा। इनका कहना था, अरे ज्ञानी ध्यानी और विज्ञानी, ज्ञानी ध्यानी और विज्ञानी, ये योद्धा देखो भारी। अरे ज्ञानी ध्यानी और विज्ञानी, योद्धा देखो भारी। अरे बाप और बेटा खड़े सामने, उधर नौबतमा साहब और उधर उनका बेटा कुलदीप। अरे बाप और बेटा खड़े सामने है लड़ने की तैयारी, अरे लड़ने की तैयारी। बात क्या आड़ी पड़ गई, बात क्या आड़ी पड़ गई, जो लिंगी ठाई। जी बात तो ही साहब, अब ही तो इनकी बात तो ये कह रहा हूं भैया, मैं अपनों को छू ना चल लो चो भैया दोबारा। बात तो क्या आड़ी पड़ गई, लिंगी थाड़ी। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हो गया कि सबसे बड़ा कौन है, यानी कि बाप कौन है और बेटा कौन है। और जब न्यायाधीश भोलेनाथ के पास में गए दोनों कि भोलेनाथ हमारी लड़ाई का फैसला करो कि मैं बड़ा हूं या ये, यानी कि ब्रह्मा जी बड़े हैं। वाणी के ऐसा है, ये लिंगी खड़ी है, जो इसका छोर ढूंढ के पहले मेरे पास आएगा वो बाप होगा और जो पीछे आएगा वो बेटा। ये तो इनकी कहानी रही। हाँ साहब, जवाब सही है कि नहीं है? अब मैं क्या कह रहा हूं देखो, अरे मानी बानी लेख बखानी, मानी बानी लेख बखानी, मानी बानी लेख बखानी, जे कह रहे ज्ञानी ध्यानी और विज्ञानी, और हम कह रहे हैं अरे मानी बानी लेख बखानी, और कथा बताऊं सारी, कथा बताऊं सारी, हाँ कथा बताऊं सारी। तो अरे लिखी लेख में जैसे तैसे, लिखी लेख में जैसे तैसे, लिखी लेख में जैसे तैसे, अरे लिखी लेख में जैसे तैसे, और मैंने तो रत्न कारी, लेख में जैसे तैसे मैंने लेख बखानी। अरे मानी बानी लेख बखानी, और कथा बताऊं सारी, लिखी लेख में जैसे तैसे मैंने तो रत्न निखारी। या लिंगी
की बात नहीं तो चल रही है। मुसीबत करनी पड़ गई, मुसीबत करनी पड़ गई, और लाइन अच्छी लगे और लेख से हो तो आशीर्वाद चाहूंगा कि इनको ये मालूम पड़ जाए कि अचल पे दंगल कैसे होता है। हाँ जी, गणेश मंदिर पे बानी बानी लेख बखानी और कथा बताऊं सारी, लिखी लेख में जैसे तैसे, लिखी लेख में जैसे तैसे, तो मैंने तो रत्न निकाली। मुसीबत करनी पड़ गई, अरे मुसीबत मुसीबत करनी पड़ गई, चालिंग पे तेरी मम्मी चढ़ गई। हाँ साहब, दोबारा मानी बानी ले ये बताओ जवाब हो रहा है कि नहीं हो रहा। अरे मानी बानी लेख बखानी और कथा बताई सारी, मानी बानी लेख बखानी कथा बताई सारी, लिखी लेख में जैसे तैसे तो मैंने तुरंत निकाली। मुसीबत करनी पड़ गई और एक दना भोले जी की लिखी पे गौराऊ। मुसीबत करनी पड़ गई, चालिंग पे तेरी मुसीबत करनी पड़ गई। गुस्सा आ रही है घाटी पे, अरे कारण कैसो ये बन रहे हो ऐसो, अरे देखो जा उत पाटी पे। इजाजत हो जाए तो भैया एक बात मैं पूछ लूं। ऐसा पूछ लूं कि नहीं पूछ लूं? दिल्ली गया परदेसी कोई रोक रहा था, इनकी तरह मत गाओ, उनको इस तरह अलग है भैया। नींद चुराई मेरी, नींद चुराई मेरी, ठहरे हुए पानी में, नींद चुराई मेरी, ठहरे हुए पानी में, मैं तो दिल हार
होगा मेरा सोच। हाँ साहब गुरुदेव रसिया बाजी, जो कुछ उन्होंने पूछा मैंने कोशिश की उत्तर देने की, और दोस्तों जो मैं पूछूंगा आपको फैसला करना है सुबह, जो मैं पूछूंगा मेरी बात का मेरे भाई क्या जवाब देंगे, और इसी बात पर ही दंगल सुबह तक आर पार हो जाएगा। मेरा कहना क्या है मासा, जो नीला अंबर देख रहे, जो नीला अंबर देख रहे गीता में लिखा हरा कैसे, गीता में लिखा हरा कैसे, गीता में लिखा हरा कैसे। ऊपर जो आसमान है नीला है, अरे जो नीला अंबर देख रहे गीता में लिखा हरा कैसे, और हो और मैंने चिट्ठी लिख डाली है कन्हैया तेरे नाम की। तुम्हारा नाम हटाया नहीं है, और जवाब जब मानूंगा जब कन्हैया ये कहेंगे रुक्मणी से कि जय तेरे नाम को मोपे। हाँ साहब, जैसे रुक्मणी गिना रही है उस्ताद, उल्टा सीधा गाना तो नहीं है, और भैया आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे मैंने चिट्ठी हूँ लिख डारी कन्हैया तेरे नाम की, अरे मैंने चिट्ठी हूँ लिख डारी कन्हैया तेरे नाम की। और मेरा पूछना क्या है, मैंने चिट्ठी हूँ लिख डारी कन्हैया तेरे नाम की, और बतला दो निशानी क्या है तुम पर मेरे नाम की। हाँ साहब, रुक्मणी कह रही है मैंने चिट्ठी हूँ, अरे मैंने चिट्ठी हूँ लिख डारी कन्हैया तेरे नाम की, मैंने चिट्ठी हूँ लिख डारी कन्हैया तेरे नाम की, और बतला दो निशानी क्या है तेरे नाम की। नसीहत मिल रही है और सुंदर सुभर सीपी शर्मा की ब्रज में फूल बढ़िया मिल रही है। Yeah.
दोस्तों एक मेरे भाई ने महाराज जी के लिए गाया था श्रद्धांजलि का गीत, उसको मैं अगले नंबर पे गाऊंगा। इसी पे नहीं, ये पहले नंबर पे कुछ आनंद, इसी पे। अच्छा, एक रसिया और गाया था रसिया के जवाब के बाद में उस गीत को गाऊंगा, और एक गीत आपके आनंद के लिए रखूंगा क्योंकि ये पहला पहला नंबर है। हाँ, तो कुछ उथल पुथल तो जनता में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। हाँ जी, मैं सब बंसी वाले के मिलाया जो हमने रंगीली राधा जमुना पे। मुल्ला जी तुमसे कह रहा हूं, तीन तलाक खत्म हो गई है। नौबत गुरु, हमको भी सीपी शर्मा कहते हैं, बेटे ऐसा फंसा दूंगा का जवाब नहीं लिखा जाएगा आगे, ये मेरा चैलेंज है। और मुसलमान का ही जवाब होगा, क्यों आपने मुसलमानों के लिए कहा है, अब मुसलमान क्या कहेंगे आप सुनेंगे। सच कहते हैं आजादी की, सच कहते हैं आजादी की, हम शाम नहीं होने देंगे। सच कहते हैं हम आजादी की, शाम नहीं होने देंगे। क्यों? वीर शहीदों की समाधि हम बदनाम नहीं होने देंगे। वीर शहीदों की समाज हम बदनाम नहीं होने देंगे। वीर अब्दुल हमीद, वीर शहीदों की समाज हम बदनाम नहीं होने देंगे। अरे कसम खा के कहते हैं हम इस्लाम की, भारत माँ की इज्जत को नीलाम नहीं हो। हाँ सब सही है ना? दोबारा। सच कहते हैं आजादी की हम शाम नहीं होने देंगे। वीर शहीदों की समाज हम बदनाम नहीं होने देंगे। और सच कहते हैं खाकर कसम इस्लाम की, भारत माँ की इज्जत को हम नीलाम नहीं हो। हाँ जी, इधर से रसिया आया चचा। आए हाय बंसी बारे पे लड़ाई आई तो देखिए, मैंने जिन गुरुओं से शिक्षा ली है, जो हिसाब इन्होंने रसिया में डाला है, ये हिसाब गलत है, ये हिसाब गलत है। आप लिखने वाले अपने मन में बनो, लिखने वाले अपने मन में बनो, लेकिन व्यक्तिगत और जाति सूचक शब्द से संबोधित नहीं किया जाता है, ये भारत का संविधान कहता है। क्यों? हिंदुस्तान में रहते हैं,
या कश्मीरियत हो या हिंदुस्तानी मुसलमान हो, आजादी में मुसलमानों ने भी बलिदान दिया है, कोई ऐसे ही नहीं रहे। और अब आपने कहा है आए हाय देना देना मत मुल्ला जी तीन तलाक, आए हाय देना देना मत मुल्ला जी तीन तलाक। अरे नहीं अब तुम जेल में जाओगे। मोदी जी सरकार आपकी बनी तो वोट हमने नहीं दिया तो हमारी औरतों ने तो दिया है। ऐसा बताओ औरतों ने दिया है कि नहीं दिया है? अब फिर कह कौन रहा इस बात को? अरे तीन तलाक खत्म किया है तो ये तो बढ़िया बात है, हमको मंजूर है। जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ है वो हमारी तो औकात क्या है, भारत के हर नागरिक को मंजूर होता है। अब कहना क्या है, अब हमारा कहना क्या है? और लक्ष्मण गुरु आगे लिख के लाना जब मालूम पड़ेगा। यूं नायक माटी को तेल 30 रुपए लीटर। हाँ साहब देखिए हास्य गंदगी होते रहेंगे। गुरु कहना क्या है? बेबाक उधर से कह रहे इसे ये तीन तलाक, और हम कह रहे हैं हमने भी फैसला माना है हम सब ने बेबाक। अरे कानून सही तुम लाओगे, हमने आपका साथ दिया हो, हमने आपका साथ दिया, अरे हमने आपका साथ दिया। हाँ साहब दरोगा जी, अरे हमने आपका साथ दिया और कानून भी हमने मानी, हमने आपका साथ दिया और कानून भी हमने मानी। और दोस्तों लाइन अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा तालियों का। अरे हमने आपका साथ दिया, अरे कानून भी हमने मानी, और बेशक धर्म मेरा मुस्लिम का ये खून तो दोबारा थे हो। अरे हमने आपका साथ दिया, हमने आपका साथ दिया, कानून भी हमने मानी, और बेशक धर्म मेरा मुस्लिम का खून तो हिंदुस्तानी। आए हाय ईश्वर अल्लाह को यारे, ईश्वर अल्लाह को, अल्लाह को रे ईश्वर अल्लाह को, आए हाय ईश्वर, आए हाय ईश्वर अल्लाह को रटते हैं हम तो उछाक। यानी कि सुबह भी और शाम भी आए हर ईश्वर अल्लाह को हम रटते हैं पहुंचा। अरे कानून सही तो बना
विश्व में जाके देखो हो, सारे विश्व में जाके देखो, सारे विश्व में जाके देखो, ऐसा कोई देश नहीं है। अरे सारे विश्व में जाके देखो, ऐसा कोई देश नहीं है। लक्ष्मण गुरु, सारे विश्व में जाके देखो, ऐसा कोई देश नहीं है। और मेरे हिंदुस्तान के जैसा देखो कोई देश, कोई देश नहीं है। क्यों? खासियत है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया कहके संबोधित करते हैं, अमेरिका को अमेरिका कहते हैं, मगर जब भारत का नाम आता है तो भारत माता कहके संबोधित होते हैं। क्यों? कि हिंदू रीत रिवाज के अनुसार मां का स्थान महान होता है, इसीलिए भारत माता कहते हैं। तो कहना है, आए हर सारी दुनिया में फैली है ऐसी सात सात। और अंतिम मंत्र सुनेंगे, अरे छंद कटो तेरो रसियाऊ कट गयो, अरे छंद कटो तेरो रसियाऊ कट गयो, छंद कटो तेरो रसियाऊ कट गयो। मुकेश भैया, ये चश्माए ललाए थे, लेखक ना बनोगे? और बनोगे तो मैं बननू ना तुमको। अरे छंद कटो तेरो रसियाऊ कट गयो, ना तू उचित दाम में आवे, छंद कटो तेरो रसियाऊ कट गयो, ना उचित दाम में आवे। और दोस्तों, लाइन अच्छी लगे तो आशीर्वाद तालियों का। अरे छंद कटो जाको रसियाऊ कट गयो, ना उचित दाम में आवे। और कटे कटाए घर ले जइयो, घर भाभी के काम में आवे, भाभी के काम में आवे, भैया तू के काम में आवे। कटे कटाए घर ले जइयो, भाभी के काम में आवे। आए हाँ सीपी शर्मा जी, मजाक और कानून सही लाओगे। हाँ सर, आदेश हुआ है कि एक श्रद्धांजलि बाबा की।